हरे कृष्णा। तो कुछ दिन पहले अमोघ लीला प्रभु जी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और सभी लोग उसके पीछे पड़ गए कि अरे ये अमोघ लीला प्रभु जी ने क्या बोला है, और इनको इस्कॉन ने भी 1 महीने के लिए बैन किया, तो ये क्या है क्या। और इसका इवन कई सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति हैं, उनको कुछ दिन पहले उनका एक सिगरेट पीता हुआ, शराब पीता हुआ फोटो वायरल हो गया, तो इसको देख के वो भी बड़े खुश हो रहे हैं कि अरे जब इतने बड़े बड़े लोग कुछ नॉनवेज खा सकते हैं, तो मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो क्या हुआ। तो इस तरीके से हमने सोचा कि इस पर कुछ क्लैरिटी दे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि अमोघ लीला प्रभु जी ने इस वीडियो में कहा क्या था जिसको इतना वायरल बना के स्प्रेड करा जा रहा है। आइए देखते हैं। क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है? और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। एज अ व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। मेरे को यहां से मायापुर जाना है, सब रास्ते गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहां निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जतो मत ततो पथ, जतो मत ततो पथ। कोई बोले अच्छा, अगर मेरे को पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया तो कैसे पहुंचेंगे? तो यतो मत ततो पथ, जिस रास्ते से निकलना है निकल जाओ, सब रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वो निकल गया, एक अंटार्कटिका निकल गया, वो पहुंच गया अलास्का पहुंच गया, वो पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? नहीं, सारे रास्ते ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते। मेरे को यहां से मायापुर जाना है, सब रास्ते गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहां निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जतो मत ततो पथ, ये तो लॉजिकली भी सेंस नहीं बनाता ना। आप जीपीएस में डालो तो क्या सारे रास्ते जा रहे होते वहां पर? किसमें लिखा? भगवदगीता में। अब किसको मानेंगे? जोतो मौत तोतो पोत, या भगवदगीता को मानेंगे? हम किसको मानेंगे? विवेकानंद को मानेंगे या भगवान कृष्ण को मानेंगे? क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है? और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आप आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है? ठीक है, ये कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। हम भी प्रशंसा करते हैं उसकी, तो जो प्रशंसा करने वाली चीज है उसकी प्रशंसा भी करेंगे और करते भी हम, लेकिन जो चीज स्वीकार्य नहीं है वो स्वीकार्य नहीं है। ये बोलना फुटबॉल खेलने से टीम स्पिरिट आती है, भगवदगीता पढ़ने से टीम स्पिरिट नहीं आती, तो भाई तुम 3 घंटा फुटबॉल खेलो और आधा घंटा गीता पढ़ लो, कर सकते हैं ना। पर ये बोलना गीता पढ़ना उससे ज्यादा श्रेष्ठ फुटबॉल खेलना है, ये गलत है। Those who are devotees of other gods, यानी देवी देवताओं के भक्त हैं, एंड हु वर्शिप देम विद फेथ, यानी जो उनकी पूजा करते हैं, वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, बोलेगा अरे वाह हो गया ना, यतो मत ततो पथ, हो गया ना। लेकिन आखिरी लाइन क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं? आखिरी लाइन भगवान बताते हैं, यजंती अविधि पूर्वकम, लेकिन वो मेरी गलत तरह से पूजा कर रहे हैं, ये विधि पूर्वक नहीं है। यजंती अविधि पूर्वकम किसमें लिखा? भगवदगीता में। अब किसको मानेंगे? जोतो मौत तोतो पोत, या भगवदगीता को मानेंगे? हम किसको मानेंगे? विवेकानंद को मानेंगे या भगवान कृष्ण को मानेंगे? भगवान कृष्ण को मानेंगे। तो देखिए, अमोघ लीला प्रभु जी ने जो उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि क्या जतो मत तथोपत सही है, तो पहला इसको हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाना हो, किसी के घर जाना हो, तो कई तरीके हैं। या तो हम अपने मन से किसी भी डायरेक्शन में निकल जाएं और सोचे कि हम उस व्यक्ति के घर पहुंच जाएंगे, तो उसके पास जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। एंड दूसरा तरीका ये है कि हम उस व्यक्ति से ही पूछें कि भैया आपके घर आना है, आप बताओ कैसे आए, और वो व्यक्ति हमें बता देगा रास्ता, है ना। तो भगवद गीता में हम देखते हैं
कि भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि मेरे पास आने का कौन कौन सा माध्यम है, किस तरीके से आप मेरे पास आ सकते हो। इवन 7.23 और 9.25 में भी भगवान इस बात को बताते हैं कि जो पूर्वजों की पूजा करता है वो उनके पास जाता है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है उनके पास जाता है, और जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आता है। तो इवन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि भगवद गीता में भी जतोमत तथोपत को नहीं बताया जा रहा है, भगवान वहाँ बता रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करेगा वही मेरे पास आएगा, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट पाथ्स सेम डेस्टिनेशन को लीड करते हैं, इस भगवदगीता के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि यह करेक्ट नहीं है। तो इसी बात को अमोघलीला प्रभु जी बता रहे थे। और अगर हम बात करें कि उनके रेस्पेक्ट देने की, तो वो तो बता रहे हैं कि शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी गए तो हम उस बात के रेस्पेक्ट करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके कारण भारत का भी नाम रोशन हुआ, हम सभी इसको अप्रिशिएट करते हैं। एज अ व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। डेफिनेटली करते हैं, है ना। बट उस चीज के ऊपर जो नॉनवेज खाने वाली बात है, उस चीज को अमोघलीला प्रभु बता रहे हैं कि ये चीज सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवतम की अगर बात करें तो 3.25.21 में भी देखा जाए तो एक साधु की क्वालिटी बताया जा रहा है कि एक साधु का कंपैशन एक गहना है, है ना। तो किसी के अंदर भी कंपैशन होगा तो किसी को भी वो इस तरीके से सिर्फ टेस्ट के लिए मार के खाना इज नॉट अप्रोप्रिएट। एंड हम सिर्फ सनातन धर्म की बात करें तो उसमें भी कई जगह बताया गया, एक दो रेफरेंसेज अगर हम लोग देखें तो महाभारत में भी जो अनुशासन पर्व है वहाँ पे बताया जा रहा है कि अनडाउटली ऑल दोज ह्यूमन बीइंग हु प्रेफर मीट टू सेवरल फॉर्म ऑफ फूड आर लाइक वल्चर्स। तो जो नॉनवेज खाते हैं उनको किससे कंपेयर किया जा रहा है। और हम अगर दूसरे पॉइंट की बात करें जिसमें अमोघलीला प्रभु जी ये कह रहे हैं कि कोई शुद्ध पुरुष है और वो नॉनवेज खाए, तो ये दोनों थोड़ा सा विरोधाभास है। अगर हम श्रीमद् भागवतम की बात करें तो उसमें भी 3.25.21 में ये चीज़ बताया गया है कि एक जो भगवान का भक्त है या जो एक सिद्ध पुरुष है उसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होगी कि वो करुणामयी होगा। तो किसी भी जीव को सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खाना, ये कहीं भी मतलब इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से। हमारे इवन भगवद्गीता की बात करें तो वहाँ पर भी भगवान बोलते हैं ना, मत 9.26 में कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयम। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप मुझे पत्ता दो, फल दो, फूल दो, है ना, और भक्ति से मुझे अर्पण करो। इवन अगर हम लोग आगे देखें तो अनुशासन पर महाभारत में वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जो नॉनवेज खाते हैं दे आर लाइक वल्चर्स, तो उनको गिद्ध से कंपेयर किया गया है। इवन मनुस्मृति में भी बताया गया है कि अगर कोई मीट खा रहा है तो नेक्स्ट जन्म में उसको वही पशु बनने का मौका दिया जाएगा, है ना। एंड इवन क्रिश्चियन फेथ की भी बात करें तो उसमें भी जो जेनेसिस है 1.29 उसमें भी ये बताया गया है कि भगवान ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हें हर्ब्स दिए, प्लांट्स दिए, वो आपके खाने होंगे, उसको खाओ, है ना। वहाँ पे भी नहीं बताया जा रहा है कि आप जानवर को मार के खाओ। इवन गुरु नानक देव भी बोलते हैं कि मेरे जो डिसाइपल्स हैं वो शराब और जो पशु हैं उनको नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिर्फ सनातन धर्म नहीं, बाकी रिलीजन में भी दया की बात की गई है और पशु को खाने के लिए मना ही किया गया है, है ना, अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी हो। और अगर हम ये स्टेटमेंट को देखें तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अमोघलीला प्रभु जी ने ही बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने नॉनवेज खाया था या इसके विषय में। इवन एक और वीडियो आप देखिए, आपके सामने अभी हम लोग दिखाते हैं कि किसी और व्यक्ति ने भी बोला था, बट उस समय इतना बवाल तो नहीं उठा था, आप देख सकते हैं। स्वामी ने कहा था कि आप स्वर्ग के ज्यादा नजदीक होगे अगर आप फुटबॉल खेलोगे गीता पढ़ने की जगह। एक ऐसी चीज जो अगर आज कोई कह दे तो इंस्टेंटली एंटी हिंदू होने का लेबल लग जाएगा उन पर। साल 1900 में इन्होंने कैलिफोर्निया में एक लेक्चर दिया था जहां पर इन्होंने ये कहा था। आप अचंभित होंगे अगर मैं आपको बताता हूं कि पुरानी रस्मों के अनुसार वह एक अच्छा हिंदू नहीं माना जाता था जो बीफ ना खाता हो। कई अवसरों पर यह जरूरी होता था कि वह एक बैल की बलि दे और उसे खाए। एक और अलग डिस्कशन में इन्होंने कहा था कि एक ऐसा समय हुआ करता था जब एक ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता अगर वो बीफ नहीं खाता तो। स्वामी जी की एक अमेरिकन दोस्त थी मिसेज जॉनसन, जो कि एक पुलिस सुपरिटेंडेंट थी। वो हेविली ऑब्जेक्ट करती थी स्वामी जी की स्मोकिंग की हैबिट को लेकर। तो उसके जवाब में स्वामी जी ने ये कहा था। मिसेज एश्टन जॉनसन का मानना है कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए। अब उन्हें ऐसा भी लगता है कि मेरा धूम्रपान करना एक पाप है, लेकिन मैं जो हूं सो हूं।
काश कि मैं इतना लचीला होता कि जो कोई मुझे जैसा चाहता मैं उसी तरह ढल जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिससे सभी लोग संतुष्ट हों। ऑब्वियसली अब इस चीज को एक एक्सक्यूज की तरह मत देखना कि स्वामी विवेकानंद यहां पर स्मोक करते थे तो मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है ये, और इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने डिस्पिल से कहा भी था कि स्मोकिंग कोई अच्छी चीज नहीं है, मैं भी इस आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मीट ईटिंग की बात करें तो स्वामी जी को मीट खानी बड़ी पसंद थी। इनफैक्ट इनका वन ऑफ द फेवरेट खाना था सिलसा फिश विद मालाबार स्पिनिच। जब ये अमेरिका गए थे वहां पर एक परिवार के साथ इन्होंने मछली पहली बार खाई थी और इस चीज को अपने दोस्त को एक चिट्ठी में लिखकर फिर बताया था। इनकी राय में स्मृतिज और पुराणाज में जो बताया गया है वो फैलेसी से भरा हुआ है, गलतियों से भरा हुआ है, और वो उनको लिखने वाले लोग वो लोग थे जिनमें लिमिटेड इंटेलिजेंस थी। मैं उम्मीद करता हूं आज का ये एपिसोड आपको सही दिशा में कदम लेने पर मजबूर करेगा। आप अपनी जिंदगी के अंदर झांक कर देखिए कहां पर आप इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं और इन नेगेटिव चीजों को खत्म कर सकते हैं अपनी जिंदगी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए इस वीडियो में भी बताया गया है और रेफरेंसेस के साथ बताया गया कि उन्होंने बोला था। तो डेफिनेटली अमोघ लीला प्रभु जी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इस्कॉन के वन ऑफ द ब्रह्मचारीज हैं, और जो वे था वो शायद उतना अप्रोप्रिएट नहीं था, और इस्कॉन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि चूंकि इस्कॉन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी किसी के भी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता है। इस्कॉन का यही प्रयास है कि सभी आपस में भाईचारे से रहें और सभी आध्यात्मिक प्रगति करें। तो इस चीज़ को देखते हुए इस्कॉन ने, आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है, उस डिसीज़न को लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। बस इस आपको समझना चाहिए कि इस्कॉन ने ये डिसीज़न क्यों लिया है ना। और अमोघ लीला प्रभु भी इसको रिटेलिएट कर सकते थे, बट उन्होंने भी हम्बली इस डिसीज़न को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कोई ये नहीं बोला कि आप देखो ये रीज़न है वो रीज़न है ऐसा सही है वैसा। उन्होंने जो भी इस्कॉन का डिसीज़न था उसको हम्बली एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे हम उनकी भी ह्यूमिलिटी को देख सकते हैं और इस्कॉन को भी ग्रेटनेस को देख सकते हैं कि चूंकि सोसाइटी में पीस और हारमोनी मेंटेन रहे है ना, और कोई भी डिसहर्टेड ना हो, उसके लिए उन्होंने इतना, इस्कॉन ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। तो हमें इन दोनों के स्थिति को अप्रिशिएट करना चाहिए, और डेफिनेटली जो वे था उसको वो उतना सही नहीं था, इसीलिए ये डिसीजन भी लिया गया है। तो हमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए इस स्थिति में, और इस स्थिति को जैसे इस्कॉन ने संवेदनशीलता को मेंटेन करते हुए ऐसा डिसीजन लिया है, तो हमें भी वो रेस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहिए। तो ये मेरा आप सभी के साथ रिक्वेस्ट है, आपको क्या लगता है आप इस कमेंट बॉक्स में हमें डाल के बता सकते हैं। और हाँ, एक पॉइंट और है कि जहाँ तक अगेन रेस्पेक्ट की बात करें, तो अमोघ लीला प्रभु जी ने भी, आप देखिए कि इस वीडियो में उन खुद ने भी बोला है कि वो शिकागो गए और उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं भी उनका रेस्पेक्ट करता हूँ और हम सभी उनका रेस्पेक्ट करते हैं। तो वो भी, प्रभु जी भी उनके प्रति अपने रेस्पेक्ट को, उन्होंने जो कार्य किया है उसके प्रति तो अपने रेस्पेक्ट को डेफिनेटली दिखा ही रहे। हाँ, बट कुछ चीज़ें थी जो एज पर स्क्रिप्चर उनको सही नहीं लगी और उस चीज़ को उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ठीक है, आपका क्या मत है आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं। हरे कृष्णा।